आपदा की घड़ी में बच्चे डटकर आपदा का सामना कर सके, इसके लिए अग्निशमन विभाग द्वारा बच्चों को स्कूलों में जाकर प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं स्कूलों से बच्चे भी अग्निशमन विभाग केंद्रों पर पहुंचकर आगजनी से निपटने के गुर सीख रहे हैं। सोलन में भी आज सिरमौर के नोहराधार स्कूल से आए 9वीं और 10वीं कक्षा के बच्चों को फायर इंस्ट्रूमेंट चलाना, आगजनी से निपटने के गुर सिखाए गए। अग्निशमन विभाग के कर्मचारी कमलजीत ने बताया कि बच्चे आत्मनिर्भर बने और आपदा की स्थिति में मजबूती से आपदा से निपटे, इसके लिए उन्हें प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इन दिनों इंटरनेशनल सेफ्टी वीक बनाया जा रहा है, जिसके तहत बच्चों को स्कूल या स्कूल के आसपास पैदा होने वाली आपदा की स्थिति में निपटने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें आज नोहराधार से आए स्कूली बच्चों को जागरूक किया गया है। उन्होंने कहा कि इसके बाद अग्नि सुरक्षा सप्ताह भी मनाया जाएगा, जिसमें आम आदमी को पंचायतों में और बच्चों को स्कूलों में प्रशिक्षण दिया जाएगा कि किस तरह से आगजनी की घटनाओं से निपटा जा सके। वहीं स्कूली बच्चों के साथ आए अध्यापक दिलावर चौहान ने बताया कि आज करीब 30 से 40 बच्चों ने आगजनी से निपटने के गुर सीखे हैं, जो आने वाले समय में बच्चों को आपदा से निपटने में कारगर साबित होंगे। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में भी इस तरह के प्रशिक्षण बच्चों को दिए जाएंगे। जी, मेरा नाम कमलजीत है और मैं सेफ्टी हूँ फायर स्टेशन सोलन में। और हमारे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं, आज नोहराधार से आए हैं, तो हम इनको फायर फाइटिंग और डिजास्टर और जितनी भी अन्य किस्म की सुविधाएं हम देना चाहते हैं बच्चों को कि स्कूलों में, स्कूल के आसपास जितने भी खतरे होते हैं उनसे हम इनको अवेयर करा दें। हाँ, ये हमारा सेफ्टी वीक भी चल रहा है, इंटरनेशनल सेफ्टी वीक और राष्ट्रीय जो है सुरक्षा दिवस भी आजकल मनाया जा रहा है। इसके बाद हमारा अग्नि सुरक्षा जो है सप्ताह मनाया जाएगा, तो इसके संदर्भ में ही हम बच्चों को भी बुलाते हैं और विभिन्न स्कूलों में और बहुत सारी दूसरी जगहों में भी हम मॉक ड्रिल द्वारा लोगों को अवेयर करते हैं। मैं दिलावर चौहान, लेक्चर कॉमर्स, कोऑर्डिनेटर वोकेशनल एजुकेशन। आज हम नोहराधार से आए और सोलन में फायर फाइटिंग इक्विपमेंट, उसके अंदर कौन सी गैस है और ऑयल वाली फायर को कैसे एक्सटिंग्विश करना है और आयरन वाली, लोहे वाली आग को कैसे, डिफरेंट तरह के जो रिस्क है फायर फाइटिंग फायर उसमें, वो इनको कमलजीत जी ने बताया। और इसके साथ इनके साथ जो वोकेशनल एक्सपोजर के लिए आए थे वो भी इनका हुआ है, और कोविड के बाद ये पहली बार बच्चों का आना हुआ है। और जो जो इन्होंने जानकारियाँ दी SFO साहब ने, वो बहुत ही निहायत ज़रूरी थी। और उसके साथ इनको फायर फाइटिंग इक्विपमेंट को यूज़ कैसे करना है, उसके अंदर कौन कौन सी गैसेज है, उस तरह की सारी जानकारी मिली। ये 9th और 10th के बच्चे हैं जो वोकेशनल एजुकेशन में पढ़ते हैं अभी, और उसके बाद फिर 1-2 के बच्चे भी आएंगे जब नेक्स्ट उसमें अपग्रेड होगा।